नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन इंडिया चैनल में। तो यहाँ पर भी बात करने वाले एक नई योजना के बारे में जो कि प्रधानमंत्री मुद्रा लोन है, जिसके अंतर्गत सभी को व्यापार करने के लिए लोन मिलता है। तो कैसे मिलेगा, क्या कुछ करना होगा आपको लोन लेने के लिए, यहाँ पर आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। इसलिए दोस्तों वीडियो को देखते रहिएगा लास्ट तक और देखिएगा वीडियो को पूरा का पूरा, ताकि आपको सभी को जानकारी मिल सके कि प्रधानमंत्री मुद्रा लोन क्या है, कैसे मिलेगा, फायदा किसको मिलेगा। तो पूरी जानकारी इस वीडियो में वाली है दोस्तों, इसलिए दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। उससे पहले दोस्तों, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिख रहे लाल बटन पर जल्दी से क्लिक कर दीजिए, और जो साइड में घंटी का निशान यानी कि बेल आइकन आएगा उसे जरूर दबाइएगा, ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो, चाहे वो सरकार की नई योजना हो चाहे वो किसी की भी नई पॉलिसी हो, सबके लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले प्राप्त हो सके। और साथ ही अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। लाइक करने के लिए आपको इस प्रकार का एक देख रहा होगा, उस पर क्लिक कर दीजिएगा, और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलेगा। शेयर करने के लिए इस प्रकार के बटन पर क्लिक करके आप सभी दोस्तों व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो दोस्तों सबसे पहले बता दें, यह केंद्र सरकार की एक योजना है जिसमें छोटे उद्यम शुरू करने के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा लोन की शुरुआत की गई है, जिसके अंतर्गत सभी लोगों को कारोबार शुरू करने के लिए छोटी रकम का लोन दिया जाता है। दोस्तों ये आपको बता दें, ये जो योजना है वो 2015 में ही शुरू की गई थी, और इसके योजना का नाम रखा गया था PMMY यानी प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना। ये दोस्तों इस प्रकार की योजना है जिसके अंतर्गत सभी को मिलते हैं रुपए। दोस्तों कैसे रुपए मिलते हैं, क्या कुछ करना होगा, यही आपको बताने वाले हैं, क्योंकि हमारे वीडियोज के नीचे कमेंट देखने को मिलते हैं जिसमें पूछा गया था ये सब। इसलिए दोस्तों आपके लिए ये खास मकसद से ये वीडियो बनाया गया है, इसलिए दोस्तों वीडियो को देखते रहिएगा लास्ट तक। तो आपको बता दें क्या है ये मुद्रा लोन योजना का मकसद। केंद्र सरकार की मुद्रा योजना के दो उद्देश्य हैं, पहला स्वरोजगार के लिए आसानी से लोन देना, दूसरा छोटे उद्यमों के जरिए रोजगार का सृजन करना। मुद्रा योजना के लोन बांटने में मदद करेगी फ्लिपकार्ट, पतंजलि जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां। महिलाओं पर फोकस रहेगा दोस्तों इसमें। अगर आप महिलाओं के नाम से अगर आवेदन करते हैं, अपनी पत्नी के नाम से आवेदन करते हैं, अपनी बेटी के नाम से आवेदन करते हैं, तो इसके अंतर्गत सबसे पहले आपको रुपए मिल जाते हैं, और अगर आप खुद एक महिला हैं तो आपको जल्दी इसमें रुपया मिल जाएगा। तो आपको बता दें प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का पूरा नाम माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रिफाइनिंग एजेंसी है। मुद्रा योजना PMMY की खास बात यह है कि इसके तहत लोन लेने वाले 4 लोगों में से 3 महिलाएं हैं। PMMY के लिए बनाई गई वेबसाइट के मुताबिक 23 मार्च 2018 तक योजना के तहत 2,28,144 करोड़ रुपए के लोन मंजूर किए जा चुके हैं। इस प्रकार से दोस्तों अभी तक ये रिपोर्ट आ रही है, उसके बाद कोई भी रिपोर्ट नहीं दी गई है PMMY ऑफिशियल वेबसाइट पर। वो भी आपको बताएंगे PMMY ऑफिशियल वेबसाइट क्या है, कौन सी है, क्या है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMM का लाभ। मुद्रा योजना के तहत बिना गारंटी के लोन मिलता है, इसके अलावा लोन के लिए प्रोसेसिंग चार्ज भी नहीं लिया जाता है। मुद्रा योजना में लोन चुकाने की अवधि को 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है। कैसे आप भी उठा सकते हैं पीएम आवास योजना। आवास योजना भी दोस्तों यहां पर आपको बताएंगे, आपको बता दें पहले कौन ले सकते हैं मुद्रा योजना। आपको पीएम आवास योजना के बारे में अगर कोई वीडियो चाहिए PMAY के बारे में, तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा, उसका भी आपको जल्दी वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। तो आपको बता दें PMMY के तहत कौन लोन ले सकता है। कोई भी व्यक्ति जो अपना व्यवसाय शुरू करना चाहता है वह PMMY के तहत लोन ले सकता है। अगर आप मौजूदा कारोबार को आगे बढ़ाना चाहते हो और उसके लिए पैसे की जरूरत है, तो आप प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 10 लाख रुपए तक के लोन का लोन ले सकते हो। इस प्रकार से दोस्तों आपको मिलेगा यहाँ पर आवेदन करने के लिए। अब बता दें मुद्रा में 3 तरह के लोन होंगे, शिशु लोन, किशोर लोन, तरुण लोन। शिशु लोन के तहत 50,000 रुपए का तक का कर्ज लिया जाएगा। किशोर लोन, किशोर के कर्ज के तहत 50,000 से 5 लाख रुपए तक का कर्ज दिया जाता है। तरुण लोन के तहत 5 लाख से 10 लाख रुपए तक के लोन दिए जाते हैं। इसके मतलब ये अवधि के हिसाब से नहीं है दोस्तों, ये इसलिए है क्योंकि रुपयों की अवधि बताई गई है। शिशु लोन मतलब छोटा लोन, किशोर लोन मतलब बीच वाला, और तरुण लोन मतलब सबसे बड़ा लोन। इस प्रकार से ये कोई अवधि के हिसाब से नहीं है कि आप अपने बेटे का आवेदन करें, इसमें किशोर है जो कि आवेदन करे, जिसका शिशु है वो आवेदन करे, ऐसा नहीं है दोस्तों। ये मिलने वाला है, ये अवधि के नाम से किया गया है ताकि सभी को क्या है नाम याद रह सके कि कौन सा योजना लेना है।
तो आप आपको बताएंगे पीएमएमवाई पर ब्याज दरें क्या हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना के तहत कोई निश्चित ब्याज दर नहीं है। विभिन्न बैंक मुद्रा लोन के लिए अलग अलग ब्याज दर वसूल करते हैं। लोन लेने वाले के कारोबार की प्रकृति और उससे जुड़े जोखिम के आधार पर भी ब्याज दर निर्भर करती है। दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि आप ऐसा बिजनेस स्टार्ट करें जिसमें आपकी जो कमाई होगी वो किसी पर निश्चित नहीं है, यानी कि आप कह सकते हो सीजनल है, तो सीजनल में क्या होगा कि ब्याज दर जो थोड़ी ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि वहाँ पर रुपए चुकाने का थोड़ा यहाँ पर धीरे पड़ जाता है, क्योंकि अगर आपकी कमाई नहीं होती है तो आप रुपए नहीं चुका सकते। इसलिए दोस्तों, ये कोई नहीं है कि आप फिक्स नहीं की गई है, ये आपके कारोबार पर की जाएगी। अगर आप कारोबार चाहते हैं कि आप क्या कौन सी दुकान खोलना चाहते हैं, कैसा कारोबार खोलना चाहते हो, कौन सी कंपनी खोलना चाहते हो, कोई भी आपके जो आपके जो डिमांड है उसी के आधार पर की जाएगी। आप कैसे ले सकते हैं पीएमएमवाई योजना, ये सबसे मेन पॉइंट है दोस्तों, कि आप पीएमएमवाई योजना का जो लाभ है वो कैसे ले सकते हो। मुद्रा योजना के तहत लोन के लिए आपको सरकार या बैंक की शाखा में आवेदन देना होगा। अगर आप खुद का कारोबार शुरू करना चाहते हो तो आपको मकान के मालिकाना हक या किराए के दस्तावेज, काम से जुड़ी जानकारी, आधार, पैन नंबर सहित कई अन्य दस्तावेज भी देने होंगे। दोस्तों, ये कोई बात नहीं है कि अगर आपसे कोई दस्तावेज मांगते हैं तो आप ना दें, आपको देने पड़ेंगे, क्योंकि ये लोन लेना है और ये सरकारी लोन है। दोस्तों, आपको ये एक अच्छा रहेगा कि आप सरकारी बैंक खाता में जाए और वहाँ कर जाकर ले ले, ये क्योंकि सरकारी में बहुत अच्छा रहेगा। इस प्रकार से आपको दोस्तों ले लेना होगा, वहाँ पर जाकर आपको फॉर्म भरना होगा, वहाँ से पूछ लेना होगा कि आपको कहाँ मिलेगा पीएमएमवाई के तहत जो फॉर्म है वो कहाँ मिलेगा। उसके बाद कैसा है केंद्र सरकार की मुद्रा योजना का रिपोर्ट कार्ड। दोस्तों, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपको बता दें, ये बताया जा रहा है कि जब तक अभी तक कितने किसान, कितने जो जिन्हें लाभ मिल सकता है, कितने कारोबारी इससे बन सकते हैं, कितने आपके ब्याज दर होगी वगैरह वगैरह। तो ये आपको अगर डिटेल चाहिए कि ये कितनी ब्याज हो सकता है, किस कारोबार में कितना ब्याज होगा, कौन सा कारोबार आपको करना चाहिए, तो कमेंट में लिख दीजिएगा ताकि आपके लिए हम ला सकें कोई भी वीडियो। अब दोस्तों, आपको क्या करना होगा। दोस्तों, अगर आप कहें तो आपको मैं ये फॉर्म भी उपलब्ध करवा सकता हूं, इसलिए आपको कमेंट में डाल देना होगा, सब्सक्राइब कर देना होगा, बेल आइकन को दबा देना होगा और साथ ही अपनी ईमेल आईडी डाल दीजिएगा ताकि मैं आप तक ये फॉर्म पहुंचा सकूं। बाद में आपको ये सिर्फ फॉर्म भरकर जमा ही करवाना पड़ेगा, आपको फ़ायदा मिलेगा, इसलिए आपको ईमेल आईडी डालना है और फ़ायदा उन्हीं दोस्तों मैं उन्हीं को ये पहुंचाऊंगा फॉर्म, जो हमारे सब्सक्राइबर होंगे, जो हमारे वीडियो को लाइक करते हैं उन्हीं को ये फ़ायदा मिलने वाला है। इसलिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, उसके बाद आपको भी फॉर्म मिल सकता है। आप अपनी ईमेल आईडी दे दीजिए, हम कमेंट को पिक्स करके आपके आप तक ये पहुंचाएंगे। इसलिए अभी के अभी आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए। अब अधिक जानकारी आपको चाहिए इससे भी ज़्यादा जितनी मैंने बताई है, लगता है आपको लग गया होगा दोस्तों, मैंने पूरी बता दी, लेकिन इससे भी बड़ी है, क्योंकि नियम और शर्तें जानना ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि नियम और शर्तें ज़रूर जानिएगा। आपको इसके लिए आपको www.mudra.org.in पर जाकर ये चेक कर लेना होगा। ये दोस्तों आपको लिख देना होगा सीधा सीधा और उसके बाद आप ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे। यहाँ पर जैसा कि आपके सामने है दोस्तों https, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ इतना लिखना है www.mudra.org.in, ये लिखते ही आप ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। दोस्तों, आशा करूंगा आपको पूरी रिपोर्ट मिल गई होगी, पूरी जानकारी मिल गई होगी। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले प्राप्त हो सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।